कैसे रोजी आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग कैसे हो? जी सब अच्छे हैं ब्रोजी। और यहाँ पे भक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रश्न पूछने के लिए, तो जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, चैट में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं और गूगल फॉर्म में जो प्रश्न है वो भी हम पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं सस्मिता माता जी से। सस्मिता लंका माता जी, प्लीज अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मन में बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए है, बहुत बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए है प्रभु जी। ठीक है, एक एक करके हम लोग आपके प्रश्न लेंगे। फिर प्रभु जी, एक प्योर डिवोटी बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अगर आप भगवान के भक्ति करना चाहते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं, शुद्ध मन से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी इच्छा जो है वो प्रबल रखनी पड़ेगी, आपके मन को उस सेवा में नियुक्त करना पड़ेगा, उस सेवा में लगाना पड़ेगा पूरी तरह से। और किसी प्रकार का अगर कोई विक्षेप हो, कोई डिस्ट्रैक्शन हो, किसी प्रकार से अगर मन भटक रहा है तो उससे बच के रहना चाहिए। तो जो कुछ अनुकूल है उसे हमें स्वीकारना चाहिए, जो कुछ प्रतिकूल है उसे त्यागना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए, नित्य सेवा में या भगवान के नित्य स्मरण में जो भी अनुकूल दिख रहा है या समझ में आ रहा है, जो भी फेवरेबल है, हमें उसे स्वीकारना चाहिए। और जो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अनफेवरेबल है, वो प्रतिकूल है, तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। और सेवा करते हुए हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए और भगवान पे पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी। और एक प्रभु जी, घर में अगर किसी को डेप्यूटी बनाने का है तो उनके साथ क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि प्रसाद में पूजा करती हूँ तो देती हूँ, लेकिन टाइम बहुत लगेगा क्या प्रभु जी? ऐसा मन में तो बहुत बहुत सवाल हो रहा है। जितनी ज्यादा हम अपने मन में आशाएं बढ़ाएंगे उतना ही हमारा मन जो है थोड़ा सा विचलित रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो भी हमारे संबंधी हैं, जो भी हमारे मित्र हैं या अन्य जितने भी व्यक्ति हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, हमसे रिलेटेड हैं, हमारे जो है हितैषी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं इत्यादि भी, अगर हम चाहते हैं कि वो सब भी भगवान की भक्ति करें, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करने के बाद ये श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान जो है उन्हें जो भी आवश्यक सुविधा है वो प्रदान करेंगे, जिससे कि वो भगवान की भक्ति कर सके। और इसके साथ साथ हमें अपने भक्ति पर, अपने सेवा पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें सेवा करते देख उनका मन प्रसन्न हो जाए, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा जीवन शैली है और हम भी ऐसे जीवन शैली को स्वीकारना चाहते हैं। तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और अगर उनके कोई भी संदेह है, उनके मन में कोई भी किसी प्रकार की अगर कुतूहलता है, किसी भी प्रकार का अगर उत्साह है, तो उसके उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर उन्हें कुछ पूछना है, समझना है, तो समझाने का प्रयास कीजिएगा। और अपने उदाहरण से एक या अपने व्यवहार से ऐसा उदाहरण स्थापित करना चाहिए जिसे देखकर उन्हें प्रेरणा मिले। ठीक है जी प्रभु। प्रभु जी, सबके मन में आता है, सबके नहीं, मेरी फैमिली मेंबर में आता है मन में कि शिव जी और कृष्ण अलग है। वो समझ रहे हैं कि हम हमारे घर में शिव जी को पूजा करते तो कृष्ण को क्यों पूजा करेंगे? अब जैसे एक परिवार में हम जो भी हमारे संबंधी होते हैं ना, हम सबके साथ अपना संबंध रखते हैं। जैसे जो हमारे माता पिता होते हैं तो माँ के साथ भी व्यवहार करते हैं और पिता के साथ भी व्यवहार करते हैं। अगर कोई बच्चा ये सोचे
कि नहीं हमें तो सिर्फ माँ के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ व्यवहार क्यों करें, तो उसके संबंधों में कोई कमी आ जाएगी। उसी प्रकार से जो हमारा सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को हम स्वीकारते हैं, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, उसमें महादेव जी ये बहुत विशेष हैं। महादेव जी भगवान के गुणावतार भी हैं, महादेव जी एक परम वैष्णव भी हैं, और भगवान कृष्ण जो हैं वो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो इन दोनों का संबंध हम देखते हैं, हम जानते हैं कि महादेव तो भगवान के गुण अवतार हैं और वो बहुत भगवान के साथ उनका बहुत ही अच्छा संबंध है, इसलिए हम दोनों को आदर सम्मान देते हैं और दोनों से हम प्रार्थना ये करते हैं कि आशीर्वाद हमें प्राप्त हो कि हम अपनी सेवा जो है उसमें मन लगा सके। तो अगर कोई भेदभाव करता है तो फिर वो संबंध देख नहीं पा रहा है, और अगर हम संबंध नहीं देख पाएंगे, कनेक्शन नहीं देख पाएंगे, तो उसमें हमारा ही घाटा है। अगर सोचिए हमें धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, और दो लोग हैं हमारे जीवन में जो हमें पैसा देने के लिए तैयार हैं, हमें हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से एक ही संबंध देख रहे हैं, दूसरे संबंध को नहीं देख रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति से हमें धन मिलेगा, दूसरे से हमें धन नहीं मिलेगा, या एक ही व्यक्ति से आशीर्वाद मिलेगा, दूसरे व्यक्ति से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो किसी भी प्रकार का संबंध जो हमारे जीवन में हमारे लिए महत्व रखता है, उसे हमें व्यर्थ त्यागना नहीं चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण के प्रति भी हमें अपनी सेवा वृत्ति जो है, भगवान कृष्ण की सेवा जो है हमें प्रदर्शित करनी चाहिए, और महादेव जी से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे सेवा भाव में वो हमें प्रेरणा दें और हमें आशीर्वाद दें। ठीक है जी प्रभु जी। हरे, और एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। कभी 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 लगता है कि मन में कभी कभी विचार आता है कि मैं तो पूजा करती हूँ, भगवान की सेवा भी करती हूँ, मेरे घर का क्यों शुभ लाभ नहीं होता है, दूसरे घर पर होता है, ये मन में बहुत सारे आता रहता है प्रभु जी। अक्सर इस संसार में ना हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ कमी है और दूसरों के घर में बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सभी के घर में कुछ ना कुछ जो है कमी होती है, कुछ ना कुछ परेशानी होती है और कुछ ना कुछ सुख होता है, ये संसार का स्वरूप है। तो अगर हम दूसरों के साथ अपना हमेशा तुलना करते रहेंगे तो उसमें हमारा समय व्यर्थ जाता है। हाँ, अगर दूसरों के साथ हम तुलना इसलिए कर रहे हैं ताकि उनसे हम कुछ सीख सकें, उनसे हम कुछ समझ सकें जिससे कि हमें बहुत लाभ मिले, तो फिर हमें दूसरों से जो है दूसरों के बारे में ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में जो सुख हमें प्राप्त हुआ है, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, शायद वो उसकी मात्रा जो है, मतलब उसका प्रमाण जो है, उसका क्वांटिटी जो है कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन है ना, सुख है ना हमारे जीवन में, तो उसके लिए हमेशा हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। और अगर दूसरों के जीवन में है तो वो उनके उनके लाभ के लिए है। दूसरे का भूख अगर है और उसे भोजन मिल रहा है तो वो उनके लाभ में है। उनको अगर भोजन मिल रहा है और हमें भूख नहीं है तो उनके भोजन को देखकर अगर हमें लगे कि अरे उनको भोजन मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी भूख नहीं है तो हमारी ज़रूरत नहीं। जब हमारी भूख होगी तो हमें भी जो है भोजन के प्रति हमारा ध्यान जाएगा, हमारी भूख नहीं है तो भोजन के प्रति ध्यान नहीं जाएगा। तो अपने जीवन में हमेशा हमें देखना चाहिए कि हमें कितना कुछ सुख मिला है, और अगर हमारे जीवन में हमें लगता है कि कुछ और हमें हमारी आवश्यकताएं हैं, तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि वो सारी आवश्यकताएं जो हैं कितना आवश्यक है, कितना वो सारी आवश्यकताओं की कितनी ज़रूरत है, उस पर ध्यान देना चाहिए, और मन को हमेशा जो है शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। मन को हमेशा जो है जो अपना ध्येय है, लक्ष्य है, उसके ऊपर फोकस रखने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मन विचलित हो जाता है तो हम अपने लक्ष्य से, अपने जीवन के जो जो हमारा ध्येय है, जो
गोल है उससे हम भटक जाते हैं, और किसी को नुकसान नहीं होता है, हमें नुकसान होता है। तो हमारी आवश्यकता क्या है उस पर ध्यान देते हुए, उसकी ज़रूरत कितनी है यह समझते हुए, जो कुछ हमें अपने जीवन में मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहते हुए, और अगर कुछ और प्राप्त करने की लालसा है तो उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए जो है कष्ट कीजिए, और अगर हमने योग्य कष्ट किया है, ठीक से मेहनत किया है, तो उसका फल हमें मिलेगा। तो हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए कि कभी किसी को इस जीवन में कोई किसी को भी कोई कमी नहीं दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए अब एक हाथी को तो बहुत भोजन लगता है, उसका भी प्रयोजन भगवान ने किया हुआ है। एक चींटी को भी भोजन की आवश्यकता है, भगवान ने उसका भी प्रयोजन किया। इस संसार में सबका प्रयोजन है। हाथी के खाने के लिए भी भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में है, और चींटी के भोजन के भूख के लिए भी भोजन पर्याप्त मात्रा में है। अब चींटी अगर हाथी की तरफ देखकर सोचे कि अरे इसको कितना ज़्यादा भोजन मिल रहा है और मुझे तो कम मिल रहा है, नहीं, जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना मिल रहा है। इसलिए इस प्रकार का जो है ना एक कमतरता अपने मन में रखना ये योग्य नहीं। चींटी को अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए और हाथी को अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। और एक उदाहरण देते हैं कि सोचिए कोई व्यक्ति दुबला पतला है, और कोई व्यक्ति जो है, या किसी व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम भूख लगती है। तो जिसको ज़्यादा भूख लगती है वो उतना भोजन ग्रहण करेगा, जिसको कम भूख लगती है वो उतना भोजन ग्रहण करेगा। अब एक दूसरे को देखकर उन्हें लगे कि अरे ये तो ज़्यादा खा रहा है, ये कम खा रहा है, उसमें तो जो व्यक्ति ऐसा विचार कर रहा है वही जो है दुखी हो जाता है ना, उसे ही परेशानी होती है। और जब मन दुखी रहता है तो फिर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन वही अगर एक दूसरे को देखकर वो सोचे कि अरे देखो इसे जब भूख लगती है तो ये भी भोजन करता है, हमें जब भूख लगती है तो हमें भी भोजन करता है, तो सबके पास सबकी व्यवस्था की गई है, और फिर निश्चिंत होकर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान दें तो हमारा समय भी बचता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति मन से जो है ना निश्चिंत रहे, शांत रहे और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। ठीक है, हरे कृष्णा जी। माता जी संतुष्ट है उत्तर से? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगला प्रश्न यहाँ पे है मंगल गाड़ी के माता जी का। माता जी आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, और बाकी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कर लीजिए। हरे कृष्ण मंगल माता जी। ठीक है, मंगल माता जी का माइक ऑन नहीं हो रहा है। पिंकी माता जी आप प्लीज माइक ऑन करके आप प्रश्न पूछ लीजिए जब तक। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा पिंकी माता जी। माइक ऑन नहीं हो रहा। ओके, हो गया प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, एक ही सिचुएशन बार बार क्यों हमको फेस करना पड़ता है? एक ही सिचुएशन बार बार इसलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि शायद हमारे हमने जो अपने एक जो भी गोल सेट किया है, शॉर्ट टर्म गोल जो होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, तत्कालीन लक्ष्य जो होता है, उसके लिए वो आवश्यक होती है। अभी सोचिए कि अगर किसी कोई औरंगाबाद में रहता है, या ठीक है औरंगाबाद में रहता है, और उसे काम करने के लिए रोज जो है कन्नड़ जाना है,
तो उसे हर दिन तो उसी बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा ना, या हर दिन उसी रोड से जाना पड़ेगा जो हाईवे है औरंगाबाद से कन्नड़। तो उस व्यक्ति को हर दिन सुबह शाम जो है काम पर जाते समय उस हाईवे से जाओ, काम से लौटते समय, घर आते समय उसी हाईवे से वापस आना है। तो उसके लिए तो वही रास्ता होगा ना, क्योंकि उसने उसने इस प्रकार से जो है चयन किया है, वह उसका चॉइस है कि उसे नौकरी कन्नड़ में मिली, जॉब कन्नड़ में मिला और वो कन्नड़ जा रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई अवस्था बार बार आ रही है, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम हमारे जीवन में शायद जब हमारे सामने ऑप्शंस थे तो हमने ऐसा ऑप्शन चुना जिसकी वजह से वो सिचुएशन बार बार आएगा। अगर वैसे ही उस सिचुएशन से हमें परेशानी हो रही है, तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम अपना लक्ष्य बदल सकते हैं क्या। और अगर लक्ष्य नहीं बदल सकते हैं, तो हमें यह विचार करना चाहिए कि जो हमारे पास उस सिचुएशन में या उस अवस्था में जो हमारे पास संधियां उपलब्ध हैं, या जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं, जो मौका है हमारे पास, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लिए लाभ कैसे प्राप्त कर सकें। किसी को परेशान न करते हुए, किसी को तंग न करते हुए अगर हम हमें लाभ मिलता है, तो उससे हम जो हैं अपने अवस्था को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। किंतु अगर हम उस अवस्था में कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो फिर हमें परेशानी होगी। तो अभी हमारे जीवन में इतनी हमारे पास सोचिए सुविधा अगर नहीं है, अगर हमारे पास चॉइस इतना ज़्यादा नहीं है, ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है, चॉइसेस नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा सा सहिष्णु बनना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें टॉलरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं कि हम सारे सिचुएशंस को जो है बदल सके। जैसे अगर हमें सर्दी हुई है और सोचिए कि बाहर भी सर्दी का मौसम है, सोचिए कि विंटर सीजन है, तो जो ये है शीत ऋतु है उसको तो हम बदल नहीं सकते ना। तो उस समय हमें थोड़ा सा सहिष्णु होना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा कि कब समय का प्रभाव बदले। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जिसके अनुसार हमारी अवस्था में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। उससे उस अवस्था के कारण मायूस होना यही एक विकल्प नहीं रहता, यही एक ऑप्शन नहीं रहता है। हालांकि शायद बहुत बार जब मन थक जाता है तो यही एक विकल्प हमें सामने दिखता है कि हम थोड़े से थक जाते हैं या मायूस हो जाते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं। और भी पर्याय होते हैं, और भी विकल्प होता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो उन विकल्पों में अपना लाभ जो है वो देखने का प्रयास करता है। उस अवस्था में जो उसका लाभ है, जिससे कि उसको कुछ लाभ मिले, वो देखने का प्रयास करता है। तो बुद्धि का यही कार्य है। बुद्धि से हमें ये बात समझ में आती है कि इस संसार में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं चलेगा। हम जो हैं एक यहाँ पर हमारा एक छोटा सा जो है ना, यहाँ पर एक किरदार है, एक रोल है, हम एक इस संसार के एक छोटे से एक जो है अपना अभिव्यक्ति यहाँ पर जो है, या हमारा एक एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है छोटा सा। बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं जो अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी दुनिया जो है वही सबकी दुनिया नहीं है, सबका अपना अपना प्रयास चल रहा है। करोड़ों में अनगिनत ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना प्रयास कर रहे हैं, और सबके लिए सुविधा दी गई है। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने अभिलाषाओं को बढ़ाने से, और जब अभिलाषा पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। भगवान गीता में समझाते हैं कि जब व्यक्ति किसी चीज़ से आसक्त हो जाता है और हमेशा उसके बारे में विचार करने लगता है, और जब वो चीज़ उसे प्राप्त नहीं होती है तो उसके मन में उसका मन विचलित हो जाता है, और जब मन विचलित होता है तो व्यक्ति अपनी सूझ बूझ, व्यक्ति जो है
विचार करने की अपनी क्षमता जो है वो उसे त्याग देता है, और उसके वजह से फिर वह जीवन में मायूस हो जाता है, क्योंकि जो विचार करने की उसकी बुद्धि चली जाती है तो फिर उसके सामने विकल्प नहीं रहते। जैसे अगर हमारे पास, हम किसी मार्ग में जा रहे हैं और सामने चौरास्ता आता है, चौराहा आता है, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते कि किस रास्ते जाना है, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम वहीं पर रुक जाएंगे, हमारा जीवन मानो जैसे थम जाएगा। तो लक्ष्य हमारा क्या है, उसके अनुसार हमारे जीवन में, या हमने क्या चॉइसेस अपने जीवन में अपनाए हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी। और अगर हमारा लक्ष्य जो है वो एक ही है हर दिन, तो हर दिन वैसे ही अवस्था हमारे जीवन में निर्माण होगी, हर दिन जो है वैसे ही हमें जो है सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। उसमें हमेशा ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे अवस्थाओं में हमेशा हमारे पास एक से अधिक विकल्प होते हैं, एक से अधिक हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो अगर हम अपने आसक्ति को त्याग दें, अगर जो हमने एम्बिशंस रखे हुए हैं जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, अगर उसको छोड़कर थोड़ा सा उसमें थोड़ा हम बदलाव ले आए, थोड़ा सा हम देखें कि कुछ कम ज़्यादा हो सकता है क्या, कोई और रास्ता निकल सकता है क्या, तो फिर व्यक्ति मायूसी से बच जाता है, फिर व्यक्ति जो है परेशानी से बच जाता है और आगे बढ़ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। यू आर वेलकम। हरे कृष्णा। मंगल माता जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माझा प्रश्न असा आहे की शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु, शिक्षक गुरु तर आपण म्हणजे सोबतच असतात आपल्या संपर्कामध्ये येतच असतात, पण दीक्षा गुरु जे असतात त्यांचं चयन करायचं किंवा मग असं पेशन्स ठेवायचे की बाबा भगवंतांच्या इच्छेनुसार होणार आहे, थोडं असं कन्फ्युजन आहे, हे असावेत तर ते असावेत, यांना करावं त्यांना करावं, असं दीक्षा कोणाकडून घ्यावी? दीक्षा आपको अगर प्राप्त करनी, अगर आपको लगता है कि आप दीक्षित होना चाहते हैं, तो जब आप पूरी तरह से तैयार हो कि आपको दीक्षित होना है, तब आपको दीक्षा के बारे में विचार करनी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के सारे लोग दीक्षित हो रहे हैं या कोई आपसे बोल रहा है कि अब आपको दीक्षा ले लेनी चाहिए, तो आवश्यक नहीं है कि उनके दबाव में आकर या परिस्थिति के दबाव में आकर आप जो है दीक्षित हो जाए। जब तक आप तैयार नहीं हैं तब तक आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप दीक्षित हो जाते हो तो उसके बाद आप जो हैं, आपको जो उपदेश प्राप्त होता है उसका पालन करना बहुत आवश्यक है। तो जब दीक्षित व्यक्ति उपदेशों को ग्रहण करता है तो वो प्रसन्न मन से उसने करना चाहिए, यह नहीं कि उसके ऊपर उसके मन पर कुछ दबाव होना चाहिए कि अब हम दीक्षित हैं तो अब ये करना ही पड़ेगा चाहे इसमें हम खुश हैं या नहीं है। तो हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम दीक्षित हो जाए। जैसे उदाहरण है, दीक्षा जो है ना, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में अनुभव के परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं या एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं जहाँ पर अगर हमारा मन प्रसन्न नहीं है, किसी और कारण से हम वो कार्य कर रहे हैं, तो कार्य समाप्त होकर उसमें यश मिलकर भी हम सुखी नहीं होते। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारे मन हमारी तैयारी है और हम वो करना चाहते हैं, तो फिर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है जब हम उस कार्य में लग जाते हैं, कार्य करते हैं। तो दीक्षित होने का अर्थ यह होता है कि अब हम जो है
एक ऐसा जीवन शैली अपनाना चाहते हैं जहाँ पर जो कुछ भी हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन चाहिए तो मार्गदर्शन प्राप्त करने का हमें एक स्रोत मिल जाता है, जहाँ पर हम जाकर वो मार्गदर्शन जो है व्यक्तिगत मार्गदर्शन जो एक पर्सनल जो है एक सुपरविजन कीजिए कहिए या एक गाइडेंस पर्सनल गाइडेंस प्राप्त हो जाता है, सुपरविजन पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, तो उसे कहते हैं दीक्षा। तो दीक्षा शिक्षा का ही एक स्वरूप है, खाली अंतर यह है कि अब आपने वहाँ पर आप जो है अपने पंजीकरण कर दिया है, अब आप रजिस्टर हो गए वहाँ पर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है। तो दीक्षा ये शिक्षा ही है, लेकिन वो शिक्षा का एक विशेष स्वरूप है। हाँ, दीक्षा शिक्षा से अलग नहीं है। इसलिए जो आपके शिक्षा गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनका मार्गदर्शन लेते हैं, ऐसे ही शिक्षा गुरुओं में से कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपका दीक्षा गुरु हो जाए। ठीक है, हरे कृष्ण आपको कुछ हूँ। हाँ, संतुष्ट हूँ, मगर वो मेरा एक प्रश्न और है, ये उनका चयन हम करें या कोई बताए, ये आपको देखिए, अगर आपको जहाँ पर दीक्षा की बात है, अगर आपकी श्रद्धा ही जैसे होता है ना कि लड़के लड़की की शादी होती है तो क्या माता पिता जो है वो निर्णय लें या बच्चे अपना निर्णय ले लें, वो बच्चे पर निर्भर करता है। अगर बच्चे को लगता है कि वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है और बाकी सब जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, स्वयं भी निर्णय ले सकता है। लेकिन अगर बच्चा को लगता है कि नहीं, मैं अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूँ, दूसरे जो बताएंगे जिनके ऊपर मेरी श्रद्धा है वैसे ही करूँगा, तो फिर दूसरों के विचार विमर्श के साथ आप कीजिए। लेकिन ध्यान ये रखिए कि जब हम किसी भी कार्य को चुनते हैं ना, तो उसका फल सिर्फ हमें प्राप्त होता है। जिन लोगों ने हमें वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है, उन्हें उस कर्म का फल नहीं मिलता। तो अंततो गत्वा, तो सारांश है, जो सार है वो यही है कि चयन हमें करना पड़ता है, या एक बार हम स्वयं की इच्छा से या दूसरों के कहने पर, या दोनों का ऐसा मिश्रण हो कि दूसरे भी कह रहे हैं और हम भी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो तीनों परिस्थिति में जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं और कार्य करते हैं, तो उस कार्य का फल सिर्फ हमें प्राप्त होता है, किसी और को प्राप्त नहीं होता। इसलिए अंततोगत्वा यही देखा जाता है, अंत में यही देखा जाता है या यही समझा जाता है कि निर्णय हमने लिया है, भले ही दूसरों की बात हमने मान ली हो, लेकिन जो व्यक्ति निर्णय ले रहा है वो हम स्वयं हैं। तो अच्छा यही होगा कि हम अपने बुद्धि को इतना सक्षम बना लें कि हम अपना स्वयं का निर्णय ले सकें, और वह निर्णय जो है दूसरों के विचार विमर्श से हो सकता है, मार्गदर्शन से हो सकता है, किंतु जब हम निर्णय लें तो वह निर्णय जो है उससे उसके प्रति पूरी तरह से हमारा कमिटमेंट होना चाहिए उस निर्णय के प्रति। बाद में नहीं कह सकते, जैसे आजकल कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हमें तो काम करना नहीं था, दूसरों लोगों ने कहा इसलिए हम करने लगे, वैसे इस प्रकार की वृत्ति योग्य नहीं है। अगर करना नहीं था और दूसरे लोग बोल रहे हैं, तो उस समय आपको उनको समझाना चाहिए था कि हमें नहीं करना और कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ही पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो, आप ही पूरी तरह से अगर कन्विंस नहीं हो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस समय जो है करने का निर्णय तो आप ही लेते हो, लेकिन आपको लगता है कि दूसरे जो हैं आपसे करवा रहे हैं। तो जब तक आप कोई कहीं पर किसी के बंदी नहीं हो, कोई आपके ऊपर जो है ना आपको बंदी बना कर रखा नहीं हुआ है,
तब तक आप किसी के भी दबाव के कारण निर्णय ले रहे हो ऐसी बात नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको किसी ने बंदी बना भी लिया है और वो जबरदस्ती भी कर रहा है तो फिर भी बहुत लोग जो है वो झुकते नहीं हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम जैसे जो हमारे विचार धारणाएं हैं उसी पर हम टिके रहेंगे भले ही दूसरे जो है उन्हें तकलीफ देते हैं। हाँ ये बात बहुत आवश्यक है समझना कि जो विचार करने की क्षमता हमारी है ना वो हमारे हित में होना चाहिए। अगर हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो वह हमारे हित में होना चाहिए और हमारे निर्णय से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी और को हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो अगर हम अपने जो विचार बुद्धि जो है या जो हमारी क्षमता है उसे हम सुदृढ़ कर लें, हम अपनी बुद्धि को और जो है सक्षम बना लें तो फिर निर्णय लेते समय हमारे मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी कि ये निर्णय हम ले रहे हैं या दूसरे लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं। हमें स्वयं जो है बहुत मजबूत बनना पड़ेगा। ठीक है धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी एक प्रश्न हम गूगल फॉर्म से लेंगे उसके बाद फिर जिन भक्तों ने हाथ रेस की हैंड रेस की उनके पास वापस आएंगे। तो प्रभु जी ये प्रश्न गूगल फॉर्म पे आया है। प्रश्न ऐसा है कि लड़कियों को क्यों बंधन दिया जाता है, जैसे लड़के शराब पी सकते हैं कोई भी व्यसन कर सकते हैं, लड़कों का कोई बंधन नहीं होता, वह जब चाहे जहाँ घूमे घूमे जा सकते हैं, फिर लड़कियों को ही क्यों सब बंधन है? किसी भी राष्ट्र में जो भी राष्ट्र का नागरिक है भले ही मनुष्य हो या प्राणी भी हो उस राष्ट्र का जो संविधान है वो सभी को सुरक्षा प्रदान करता है, सभी को संधि देता है, सभी को उनके राइट्स देता है या कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो बजाय इसके कि ऐसा सोचे कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक सुंदर राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र का जो संविधान है वो हमें हमारे नागरिकता के जो जितने भी सुविधाएं वो प्रदान कर रहा है। जैसे भारत में जो है ना जो गवर्नमेंट है जो शासन है भारतीय शासन करता जो है वो कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं तो ये वो नहीं देखते कि ये स्त्री को मिल रहा है कि पुरुष को मिल रहा है, वो सभी को देते हैं। हाँ अगर वो निर्धारित करते हैं कि ये सुविधा विशेष करके स्त्री के लिए है तो स्त्रियों को मिलता है, फिर वो निर्धारित करते हैं कि ये सुविधा जो है बच्चों के लिए तो बच्चों को मिलता है, निर्धारित करते हैं कि एक कोई सुविधा जो है वरिष्ठ लोगों के लिए जो वरिष्ठ नागरिक हैं सीनियर सिटीजन से उनके लिए तो वो उन्हें मिलता है। लेकिन सामान्य जितनी भी सुविधाएँ हैं एक जो जनरल एक राइट्स होते हैं या एक फैसिलिटीज होता है एक नागरिक होने का सभी को प्राप्त है। तो अगर किसी को शराब पीना है तो उसकी सुविधा सरकार देती है और साथ ही साथ सरकार ये भी बताती है कि कैसे करना है जिससे कि दूसरों को तकलीफ ना हो तो परमिट देती है। अब यह विचार करना है कि नशा करना क्या हमारे हित में है, अगर हित में नहीं है नशा करना क्या हमारे लिए लाभदायी, अगर लाभदायी नहीं है तो किसी को भी सुविधा प्राप्त हो वो उसे ग्रहण क्यों करें। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो सभी पर जो है समान रूप से कार्य करती है ना, ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है ग्रेविटी, तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी सोचिए 4 फुट के ऊंचाई से अगर कूद रहा है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अपने ओर ही खींचेगी। अब विचार ये करना है कि हमें कूदना है कि नहीं कूदना है। अब ये नहीं देखना है कि अरे पुरुषों के लिए शायद गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है कार्य कर रही है और स्त्रियों के लिए नहीं कर रही है, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तो एक स्वाधीन देश के एक स्वाधीन राष्ट्र के नागरिक होने के अंतर्गत आपको आपके राष्ट्र ने आपके संविधान ने क्या क्या सुविधाएं दी हुई हैं और आपके लिंग को देखकर या आपके आयु को देखकर विशेष आपको क्या सुविधाएं दी हुई हैं वो सब समझना आवश्यक है। और साथ ही साथ
राष्ट्र तभी तक बना रहेगा जब तक कि यह संविधान तभी तक उसका लाभ मिलेगा जब तक कि हम अपने राष्ट्र को सक्षम ना बनाए रखें। तो हमें राष्ट्र के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और अगर किसी प्रकार से समाज में ऐसी कोई भी व्यवस्था है जिससे कि आपके नागरिकता के जितने भी सुविधाएं हैं वो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी व्यवस्था की गई है योग्य व्यक्ति के पास या योग्य जो अथॉरिटी है उसके पास जाकर आप वहाँ पर अपनी दलील जो है आप वहाँ पर जाकर अपील कर सकते हो, तो अपील कीजिए, ठीक है। और जैसे इस प्रश्न में पूछा गया कि उनको शराब पीने के व्यसन करने की छूट दी गई, व्यसन करने की छूट किसी को नहीं दी गई है, और जो लोग ऐसा करते हैं अगर वो दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं या उससे उन्हें तकलीफ हो रही है तो समाज के पास जो है पूरा अधिकार है कि उन्हें रोके, व्यसन करने से रोके। तो वैसे भी व्यसन करने से किसी को लाभ नहीं है ऐसे समझाया गया है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो पुरुष हो स्त्री हो व्यसन मुक्त रहना चाहिए। हाँ, बाकी जो आप एक स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी लाभदायी कार्य है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर भेदभाव हो रहा है तो आपको जाकर आपको संधि, आपको एक मार्ग दिया गया, आपको फैसिलिटी दिया गया है कि आप उसके विरुद्ध जो है अपील करें, और आपको अपील करना भी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद ध्रुव जी। अगला प्रश्न यहाँ पे गजानन ध्रुव कर लेंगे। गजानन ध्रुव प्लीज अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है प्रभु जी? मेरे तीन क्वेश्चन है। पहला है कि अभी हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो थोड़ा फोकस करने में दिक्कत आ रही है, तो हमें फोकस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने काम में फोकस बढ़ाने के लिए जब भी ध्यान रखने की बात आती है, फोकस्ड रहने की बात आती है, तो उसमें जो मुख्य जो उसके तत्व होते हैं, जो उसके बुलेट पॉइंट जिसे कहें, जिस पर ध्यान रखना है, वो ये है कि वो लक्ष्य जो है, जो भी आपका गोल है, वो आपने सोच समझकर उसे अपनाया या नहीं अपनाया। अगर आपने सोच समझकर अपनाया, सोच समझकर मतलब आपने सब कुछ देखा है कि नहीं, कि उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और आपके पास आपकी क्षमताएं क्या क्या हैं, आपके रिसोर्सेस क्या क्या हैं, और साथ ही साथ आपके आपके प्लान्स क्या क्या हैं, और ये इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक बुलेट पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर रिसोर्सेस में या आपके प्लानिंग में कुछ जो है 19-20 हो रहा है, तो फिर लक्ष्य में पहुँचने, लक्ष्य को प्राप्त करने में भी वैसा ही कुछ होगा, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और जहाँ पर परेशानी होती है वहाँ पर मन विचलित होता है, जहाँ पर मन विचलित होता है वहाँ पर फोकस नहीं रह सकता। तो अगर फोकस रहना है तो सबसे पहले बार बार आपको विजिट करना पड़ेगा आपके गोल सेटिंग्स को, कि आपका गोल जो है उसके लिए जो आपने जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान किया हुआ है, दीर्घकालीन या अल्पकालीन जितना भी आपने योजनाएं बनाई हैं, आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके लिए आपके पास जो सामग्री है, क्योंकि ये कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है तो इसके जो नियमावली है, ये कैसे कार्य करता है, यहाँ पर फंक्शनिंग कैसे होता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। उतनी समझदारी होनी चाहिए, जिसे हम दुनियादारी कहते हैं, ये कॉरपोरेट कल्चर कहते हैं, वो समझना जानना, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ये बहुत आवश्यक है। अगर अपने आप को वैसे ढाल नहीं पाएंगे, अपने आप को उस कल्चर में हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर से मन जो है अलग अलग हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, हमें अपने ही काबिलियत पर, अपने ही योग्यता पर फिर शंका उठने लगती है, या फिर हम जो हैं हमें लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ बायस हो रहा है, हमारे साथ जो है कुछ इनजस्टिस हो रहा है।
तो अगर वास्तव में कुछ परेशानी जो है वो दूसरों के द्वारा की जा रही है जो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम उसको डील कर सकें। लेकिन अगर हमारे मन के शंकाओं की वजह से ही परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उसके लिए फिर से हमें विचार करना पड़ेगा कि हम जो करना चाहते हैं, जिस कारण से हम इस कॉर्पोरेट कल्चर में आए हैं, इस कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर में आए हैं, क्या वास्तव में हम उसके अनुसार अपने आप को बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। हम उसके अनुसार जो हैं अपने आप को थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। और अगर नहीं एडजस्टमेंट हो रहा है तो फिर सोचना चाहिए कि क्या हम इसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर इसमें आगे फिर भी लगे रहना चाहते हैं तो और किस प्रकार से मेहनत करें, किस प्रकार से अपने आप में बदलाव ले आएं, किस प्रकार से अपने आप में ऐसी क्षमताएं ले आएं जिससे कि मन मायूस ना हो और जिससे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकें, थोड़ा सा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। तो अपना अपने गोल और उसे जो आपका लक्ष्य है और उसके लिए जो आपके प्लान्स हैं और उसके लिए आपकी जो क्षमताएं हैं, आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, वो पर्याप्त हैं या नहीं है, वो समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बाकी देखिए जितने भी उत्तर दिए जा रहे हैं, हम यही मान लेते हैं कि आप सब जो हैं कृष्ण भावना भावित हैं, आप लोग सब कृष्ण कॉन्शियस हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत मध्य और अंत तो भगवान से ही होती है, तो भगवान का नाम स्मरण करता ही रहना करते रहना चाहिए, भगवान का आश्रय जो है शरण हमेशा लेते रहना चाहिए। तो इस बात को दोहरा नहीं रहे क्योंकि जो ऑडियंस है हम यही समझ रहे हैं कि सबके सब जो हैं कृष्ण भावना भावित है या कम से कम कृष्ण कॉन्शियस रहना चाहते हैं। तो जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीज़ें हैं उसके बारे में ही हम थोड़ा सा ज़्यादा उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, इससे तो मुझे क्लियर आ गई है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है आपके आंसर या अभी उत्तर की वजह से। मेरा एक और एक क्वेश्चन है कि अगर हरे कृष्ण गजानन हम वन बाय वन करके क्वेश्चन लेते हैं, एक्चुअली बाकी भी वेटिंग क्वेश्चंस हैं डिवोटीज, तो उसके बाद फिर वापस आता हूं मैं। सॉरी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण, अगला प्रश्न काव्य अमूल्य माता जी का है, वो चैट में पूछ रहे हैं कि दुख और सुख में समभाव कैसे रखे, अपने अपने मन को दोनों समय स्टेबल कैसे रखे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस संबंध में जो है हमें मार्गदर्शन देते हैं, उपदेश भी करते हैं। वो कहते हैं आगमा पाइनो अनित्य, दुख और सुख दोनों परिस्थितियां जो है नित्य नहीं रहती, वो आती हैं और जाती हैं। तो अगर मन को स्थिर रखना है दुख और सुख में, तो यही विचार करना चाहिए कि ये परिस्थिति अब कुछ समय में बदलने वाली है। तो सुख में भी यही सोचना चाहिए कि परिस्थिति आगे चलकर बदलेगी, दुख में भी यही विचार करना चाहिए कि परिस्थिति आगे चलकर बदलेगी। तो अगर सुख है और अगर हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि परिस्थिति बदलेगी, तो क्योंकि सुख है और शायद परेशानियां कम हैं, उत्साह ज़्यादा है, तो समय विचार करना चाहिए कि आगे चलकर परिस्थिति बदलेगी तो उसकी तैयारी कैसे करें, उसका सामना करेंगे या उस समय अपने मन को हम फोकस रखेंगे, तो वो तैयारी करनी चाहिए। और अगर दुख है, परेशानी यहाँ पर ज़्यादा है और व्यक्ति थोड़ा सा त्रस्त हो जाता है दुख में, तो उस समय विचार करना चाहिए कि परिस्थिति आगे चलकर बदलने वाली है और इसलिए आज की स्थिति में किन चीज़ों को हमें संभाल के रखना चाहिए या किस प्रकार से अपने ही क्षमताओं को हमें और जो है बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि जब परिस्थिति बदले तो उस समय हम उसका लाभ ले सकें। तो संक्षिप्त में हमें अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए, फल जो है उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भी फल प्राप्त होता है तो
उस अवस्था में हमें विचार करना चाहिए कि और सेवा और कर्म कैसे करें। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान रखता है उसका मन हमेशा से स्थिर रहता है। जिस व्यक्ति का ध्यान फल पर रहता है उसके मन में हमेशा जो है चिंता, दुविधा या अभिलाषाएं उत्पन्न होते रहती हैं। तो फल पर ध्यान मत रखिए। जब हम कहते हैं फल पर ध्यान मत रखिए, अर्थात अगर कर्म कर रहे हैं तो कर्म फल का लक्ष्य जो है होना चाहिए, लेकिन जब फल प्राप्त हो रहा है उस समय फल पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। उस समय फल जो प्राप्ति की जो अवस्था है उसमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म करना त्यागना नहीं चाहिए, हमें अपनी सेवा को नहीं त्यागनी चाहिए उस अवस्था में। तो यह अर्थ है। अर्थ यह नहीं है कि फल की चिंता नहीं करनी, फल की चिंता करनी। भगवान कहते हैं कि आपको फल भोगने का अधिकार नहीं है। तो फल भोगने का अधिकार कैसे, फल क्या होता है, सुख या दुख, तो दोनों ही भोगने का अधिकार नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जब कर्म कर रहे हैं तो एक लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्य का अर्थ होता है कि इस कर्म का फल क्या होगा, हम क्या अपेक्षा करेंगे उसका फल क्या होगा, तब उस प्रकार से हम कर्म कर सकते हैं, उस प्रकार से हम कष्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं, तो उतना करना आवश्यक है। किंतु फल जब प्राप्त होता है तो उसमें बह नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो। करना क्या चाहिए, सेवा और करनी चाहिए, सेवा में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, काव्य मौर्य माता जी, आप अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं कि आप उत्तर से संतुष्ट हैं? इस संदर्भ में एक जो है ना प्रचलित बहुत प्रचलित कथा है, वो सुना देते हैं। हनुमान जी की कथा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने, ये लोग कथा है ना प्रचलित है, जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मोतियों की माला दी थी अपने ही गले से उतार कर, या अपने वक्षस्थल पर, उनके वक्षस्थल पर जो माला थी उसे ही दे दिया, तो ऐसे समझाया गया कि हनुमान जी मोतियों को चबाने लगे। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो वो कह रहे थे कि हम देखना चाहते कि मोतियों में सीताराम है या नहीं है। तो यही समझाया जाता है कि श्री हनुमान जी जो है ना, उनका मन हमेशा सेवा में रहता है। वो ये नहीं देखते कि अच्छा मोतियों की माला मिल गई तो उसमें वो जो है लिप्त नहीं हो जाते, या फिर वो ये नहीं देखते कि मोतियों की माला नहीं मिली तो उसके वजह से मायूस नहीं हो जाते। जब भी भगवान भेंट प्रदान कर रहे हैं तो वहाँ पर वो खड़े रहते हैं भगवान का भेंट स्वीकारने के लिए। उस समय भी उनके मन में यही बात चल रही है कि अगर कोई सेवा है तो वो कर लें, और जब भेंट प्राप्त होती है उस समय भी मन में यही उनके जो है विचार होते हैं कि कुछ सेवा होगी तो हम कर लें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं महावीर जी जो हैं, हनुमान जी जो हैं, हमेशा स्थिर है, स्थित प्रज्ञ। तो भारत में तभी तो हम हनुमान जी के बहुत उनकी उनको सम्मान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत अच्छे एक उदाहरण है या प्रेरणा है, प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो इसलिए उनकी आराधना हम करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है जी, पूछिए। थैंक यू प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे हम जल्दी सुबह उठते हैं, जब करते हैं, तो फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ तमोगुण का प्रभाव रहता है, तो उससे बाहर आने के लिए क्या करना है, मतलब तमोगुण का प्रभाव कम करने के लिए क्या करना है? देखिए, जब समय और मुहूर्तों की बात आती है तो समझाया गया है कि कुछ मुहूर्त होते हैं दिन के, या कुछ समय ऐसा होता है दिन का जो कुछ कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होता है,
तो ध्यान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है बहुत उपयोगी पाया गया है। उसके लिए बहुत सारे जो है ना उसके कारण बताए गए हैं, लेकिन सार यही है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है बहुत उपयोगी होता है अगर आप ध्यान करना चाहते हैं। तो कोई भी कार्य अगर आप अध्यात्म में अपने ध्यान साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयोगी है। अगर आप जो है किसी और चीज में अपना मन लगाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर आप लगाएंगे तो वो बहुत और वो कार्य करने में ध्यान की आवश्यकता मतलब फोकस रखने की आवश्यकता है तो वो समय सबसे उचित होता है, योग्य होता है। लेकिन साथ ही साथ कोई भी कार्य करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों की आवश्यकता होती है, ऐसे नहीं कि अपने आप को काम हो जाएगा। इंद्रियों की आवश्यकता मतलब शरीर की आवश्यकता पड़ती है। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो समय कितना भी अच्छा हो हम कर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय जब आप नाम जप कर रहे हैं और आपका शरीर थका हुआ है, आपका शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है क्योंकि आपको नींद आ रही है या आलस है या आपका मन जो है थका हुआ है ना, मन जो है साथ नहीं दे रहा है तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो शरीर के लिए शरीर को जो है ब्रह्म मुहूर्त में शरीर साथ दे इसके लिए क्या करना आवश्यक है, सेहत अच्छी होनी चाहिए और विश्राम ठीक से अपने कर लिया होना चाहिए। तो मोटा मोटी अगर ये दोनों चीज पर ध्यान देंगे, अच्छी सेहत और अच्छा विश्राम, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में शरीर ज्यादा करके हमारा साथ देगा। मन के लिए क्या करना चाहिए, मन के लिए हमें अच्छे उपदेश, अच्छा संदेश, इस प्रकार के हमें अध्ययन करना चाहिए या हमें श्रवण करना चाहिए जिससे कि मन हमारा इस बात को स्वीकार ले कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें नाम जप ध्यान पूर्वक करना है। तो मन को अगर हम जो है समझा दें कि इसी में मन का लाभ है या मन का मन में यह लालच उत्पन्न कर दें कि इसमें लाभ है तो फिर मन का आलस्य भी दूर हो जाता है। तो लाभ कैसे देखेगा मन जब हम उसे ज्ञान देंगे, योग्य ज्ञान देंगे। तो मन के लिए ज्ञान प्राप्त कीजिए, योग्य ज्ञान जो है ग्रहण कीजिए और शरीर को जो है स्वस्थ रखिए, अच्छे विश्राम और अच्छी सेहत बनाकर, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त का लाभ मिलेगा। तो सार यही है कि जब भी कोई कर्म करना है तो उसके लिए शरीर के माध्यम से ही हम कार्य करते हैं और मन का भी मन के सहमति से ही हम कार्य करते हैं। तो इन दोनों को संभाल कर रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गजन प्रभु, आप प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे प्रश्न ऐसा है कि मैं इस सिचुएशन को समझना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी और के वजह से किसी और दोनों की झगड़े की वजह से अगर किसी और को नुकसान हो रहा है तो हमें इस चीज का तो दुख होता है, लेकिन फिर इसको इस चीज को हमने कैसे अपने आप को समझाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है? दुख व्यक्त करके और उसके बाद जब दुख व्यक्त कर लिया है तो फिर हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पास क्षमता है या अधिकार है कि उनका दुख हम दूर कर सकें ताकि उनका मन जो है प्रसन्नचित हो जाए तो अपने लक्ष्य से थोड़ा समय निकाल कर हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। इसे परोपकार कहते हैं। तो परोपकार जो है करते हुए कभी भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। हाँ, लेकिन परोपकार करते हुए अगर वो परोपकार को ही अपना लक्ष्य बना ले तो अब परोपकार उसका लक्ष्य बन जाता है और पहले के लक्ष्य जो हैं उसके फिर छूट जाते हैं। तो
दुख व्यक्त कीजिए, अगर आप इतना ही कर सकते हैं व्यक्त कीजिए, और उससे उसके बाद दुख में लिप्त मत हो जाइए। अगर आप दुखी हो रहे हो देखकर और उसके वजह से आप अपने मन को दुखी खिन्न कर लेते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो इससे ना तो उनकी परिस्थिति में बदलाव आ रहा है और आपकी परिस्थिति और बिगड़ जा रही है। तो अगर उनकी परिस्थिति में बदलाव नहीं ला सकते हैं तो अपनी परिस्थिति को बिगाड़िए मत। और अगर आप में इतनी क्षमता है या आपके पास अधिकार है कि आप उनके दुख का निवारण कर सकें तो परोपकार कीजिए। अरे कृष्ण तो ठीक है, ये दुविधा मन में हमेशा रहती थी कि ऐसे सामने देख रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे उसको। हम अपने आप को गिल्टी समझना शुरू कर देना इसकी वजह से, ऐसे मुझे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए सोच। अरे कृष्ण प्रभु जी बहुत अच्छे से मुझे अनुजा पचौरी माता जी का प्रश्न है। माता जी आप प्लीज वहीं कॉल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मुझे ना क्या बोलते हैं कर्म बंधन से जल्दी कैसे मुक्त हो जाए कि सिर्फ भगवान से ही हमारा संबंध बने, हर चीज से संबंध टूट जाए, चाहे वो परिवार हो चाहे कोई हो। प्रारब्ध के अनुसार जब हमारा कहीं पर जन्म होता है तो उसकी एक अवधि होती है, तो जब तक वो समाप्त ना हो तब तक उस जीवन काल में जो संबंध हैं वो बने रहते हैं। अब हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जब तक हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार वो जीवन जो है पूर्ण रूप से मतलब उस जो भी उसकी उसका समय काल है निभाना है, तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के प्रति हमारा मन लगा कर रखें। किंतु जब भी हम अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे और भी लोगों के जीवन उससे जुड़े हुए हैं। हमारा जीवन उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनका जीवन जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इससे सिर्फ हमारे चाहने से सब कुछ होता नहीं, दूसरे लोगों की भी इच्छा से हम पर प्रभाव पड़ता है। तो जब दूसरे लोगों की इच्छा से हम पर प्रभाव पड़ता है और वह जो है उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे में आपको सहिष्णु होना चाहिए, ऐसे में आपको थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति नित्य रहती नहीं, कुछ समय के बाद जो भी बाधा है वो बदल जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, लेकिन बदलेगी जरूर। और आगे चलकर भी अगर सोचे बाधा बढ़ जाती है तो फिर वैसे की वैसे नहीं रहेगी, वो उसमें भी बदलाव आएगा। तो ऐसे परिस्थितियों में जब ऐसे कुछ परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर दूसरों के व्यवहार के कारण हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, तो हमें सहनशील होना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि परिस्थिति बदलेगी ही, आज बदलेगी या कल बदलेगी या 10 साल के बाद बदलेगी, लेकिन परिस्थिति जरूर बदलेगी। और जब परिस्थिति बदलेगी तो फिर से हम और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में विचार कर कर हमारा जीवन जो है जग नहीं सकते, ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का हमारे जीवन से संबंध होता है और हमारा बहुत लोगों के जीवन से संबंध होता है। जैसे संक्षिप्त में उदाहरण दे रहे थे कि हमारा जो जीवन है इस पर निर्भर करता है कि जो सब्जी हमारे घर तक पहुंचाता है या जहां पर जाकर हम सब्जियां खरीदते हैं वो भी अपना कर्म करें। अगर वो नहीं करता है तो सब्जियाँ हम कहाँ से लेकर आएंगे, हम तो खुद से तो उगाते नहीं है ना, और खुद से भी उगाने लगेंगे तो फिर निर्भर होना पड़ेगा हमको जो मौसम है, जो ऋतु है उस पर, बारिश का मौसम है या जमीन में जो पानी है उस पर निर्भर होना पड़ेगा। तो निर्भर अन्य चीज़ों पर हमें निर्भर होना ही पड़ता है, अर्थात दूसरे जितने भी जीवन शैलियां हैं, जो दूसरा अलग अलग जो भी जो कार्य चल रहा है संसार में उसके साथ हमारा संबंध रहता ही है।
तो जब तक प्रारब्ध के अनुसार यह जीवन अवधि काल है हमारे पास और ये सारे संबंध रहेंगे, तो जितना हो सके अपने जीवन में हमें अपने मन को स्थिर रखते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, और जहाँ जहाँ पर कुछ बाधाएं आ जाती हैं वहाँ पर सहनशील रहना, इस विश्वास हमें सहनशील रहना चाहिए कि परिस्थिति बदलेगी और फिर वापस से हमें जो है संधि प्राप्त होगी, मौका प्राप्त होगा कि हम मन को निश्चिंत रख सकें, मन को शांत रख सकें। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर घर में कोई गुस्से में सपोज माला उन्होंने फेंक दिया या फेंकने के लिए कोशिश की, तो उनके ऊपर कुछ श्राप पड़ता है क्या? उनके ऊपर कुछ अभिशाप होता है क्या? मेरे कहने का मतलब, अगर हम किसी चीज को त्याग देते हैं या फेंक उसको, हम जो है ना उसके साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता है, तो हमारे मन में एक प्रकार का दोष आ जाता है, अर्थात एक प्रकार की घृणा या ईर्ष्या आ जाती है, और जहाँ पर भी ऐसे अवगुण आते हैं उससे मन को परेशानी होती है, हमारा समय व्यर्थ जाता है, हमारी भावनाएं जो हैं उसकी वजह से हमारा मन विचलित हो जाता है। तो ये एक जो है इसी को अभिशाप के रूप में माना जा सकता है, बाकी भी कुछ अभिशाप हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा होंगे। आपने जो स्थिति बताई है उसमें खाली इतना कह सकते हैं कि व्यक्ति के मन में ऐसे समाज में जो धर्म मान्यता दी गई है, जिन चीज़ों को, जिन कार्यों को, जिन चीज़ों को हम धर्म मानते हैं, तो उसके प्रति व्यक्ति के मन में कोई तिरस्कार उत्पन्न हो सकता है और उसका मन जो है इस प्रकार से उस दबाव में आ सकता है, उसका मन जो है तिरस्कार वृत्ति में चला जा सकता है, जिसकी वजह से उसे परेशानी होगी, सिर्फ धार्मिक कार्य में ही नहीं बल्कि अन्य भी व्यवहारों में उसे परेशानी होगी। और जब अन्य व्यवहारों में भी उसकी परेशानी होती है तो फिर ऐसे ही लगता है कि किसी का श्राप लग गया, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आने लगती हैं, ये सब उसके मन से उत्पन्न हो रहा है या उसके मन में जो वृत्ति है उसके कारण उत्पन्न हो रहा है। तो आपको उनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या श्राप लगेगा, आपको खाली ये विचार करना है कि इनके मन में जो तिरस्कार उत्पन्न हुआ है, ये जो भावना उत्पन्न हो गई किसी भी चीज के प्रति, चाहे माला हो या कुछ और हो, मन में जब भी कोई तिरस्कार आता है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना आती है, तो उससे हमें उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। तो आपको यह विचार करना चाहिए कि क्या आपके पास कौन कौन से मौके हैं जिसकी वजह से उनका मन फिर से निर्मल हो जाए, वैसा प्रयास कर सकते हैं। अगर ग्रंथों का उपदेश प्राप्त करने से उनका मन निर्मल हो जाता है तो उन्हें वो प्रदान करें, या अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करने से उनका मन निर्मल हो जाता है तो उन्हें वो प्रदान करें, या कोई और रास्ता निकलता है तो उन्हें वो मौका दें। ठीक है, हरे कृष्णा। ये सुष्मिता माता जी, हरे कृष्णा जी। माता जी, हरे
कृष्ण सस्मिता माता जी और अपना अभिप्राय दे सकते हैं। प्रभु जी थैंक यू फॉर बीइंग ए सच ग्रेट मोटिवेटर एंड लर्निंग टू मी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी गजानन प्रभु ने हैंड रेस किया है तो उनका प्रश्न लेने से पहले मैं एक गूगल फॉर्म का प्रश्न लेता हूँ, उसके बाद गजानन प्रभु वापस आएंगे। प्रश्न ये प्रशांत प्रभु ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि whenever there is an argument between my wife and mother, what should I do and किसी की side लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, just diplomatic रह गया, सिर्फ diplomatic रहना चाहिए। अगर अन्य व्यक्तियों के बीच में कुछ व्यवहारिक मतभेद है और आप उनकी कुछ सहायता कर सकते हो और दोनों जो है आपकी सहायता प्राप्त करने से प्रसन्न हो जाएंगे तो आप सहायता देने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ यह भी विचार करना चाहिए कि जितने आपके पास बुद्धि है एक एडल्ट होने के नाते, है ना, बालिग होने के नाते आपके पास जितनी बुद्धि है उतना ही बाकी भी जो बालिग व्यक्ति हैं उनके पास बुद्धि होती है, कभी ना कभी उन्हें बात समझ में आ जाएगी, शायद आपस में ही वो अपने कुछ ना कुछ वो व्यवहार में बदलने का प्रयास कर सकते हैं, ये भी संभावना है। आपको एक चीज़ पर ध्यान यह रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी पत्नी और अपने माँ ऐसे संबंध बताए हैं तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि दोनों के प्रति आपका कर्तव्य जो है वो बनता है और आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए। उदाहरण के लिए जैसे समझाते हैं कि एक माँ का कर्तव्य होता है कि जो नवजात शिशु है उसका ध्यान रखें, तो कभी कभी जब माँ बच्चे को खिला रही है, खाना दे रही है, सोचिए नवजात शिशु नहीं शिशु कहते हैं तब उदाहरण ठीक रहेगा कि शिशु है, सोचिए 2-3 साल का शिशु है, उसकी आयु 2-3 साल की है, तो जब माँ उसको कुछ खिला रही है तो कभी कभी बच्चा जो है हाथ से पैर से ठोकर मार देता है, तो माँ को ध्यान रखना चाहिए कि उसका उनका कर्तव्य क्या, उनका कर्तव्य है कि बच्चे को भोजन देना जिससे कि उसका स्वास्थ्य बने रहे। तो उसी प्रकार से अपने व्यवहार में आपने जो आपका कर्तव्य है कर्तव्य निर्वाह करते रहना चाहिए और आप जब आप अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं दोनों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति और अपने माँ के प्रति, इस प्रकार से कर्तव्य निर्वाह करें। थोड़ा सा वहाँ पर आपको चतुर होना पड़ेगा कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए उनकी परेशानियाँ ना बढ़ें। तो अगर आपको अपना कर्तव्य निर्वाह गुप्त रूप में करना है गुप्त रूप से कीजिए, आपको अपना कर्तव्य निर्वाह इस प्रकार से करना है जिससे कि पता भी ना चले कि आपने अपना कर्तव्य पालन किया हुआ है, तो वैसे कीजिए। या बहुत ही सामने से दिख जाता है कि आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं वैसे परिस्थिति में करना है तो कीजिए। अपने कर्तव्य पर ध्यान रखिए, दूसरों को अगर आप सहायता कर सकें तो सहायता प्रदान कीजिए अपने कर्तव्य पर ध्यान रखते हुए, और दूसरों की सहायता करते हुए हमें उनके परेशानी को कम करने का प्रयास करना चाहिए, और अगर उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं तो फिर हमें अपने स्वयं के जो लक्ष्य हैं अपने स्वयं के विकास का जो लक्ष्य है उस पर ध्यान देना चाहिए उस समय के लिए। तो सोचिए कि अगर आप उनकी मदद करने जा रहे हैं या आप उनके प्रति अपना कर्तव्य करने जा रहे हैं और उससे उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो हम 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, एक दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जितना भी आवश्यक हो उतने समय के लिए आप थोड़ा सा एक कदम पीछे ले लें, शांत रहें। और उस समय में आपने क्या करना है, आपने अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस पर ध्यान देना है, और जब वो समय अवधि काल जो है
जो भी आपने जो ब्रेक लिया हुआ है 10 मिनट का, आधे घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का, या 15 दिन का, या उससे ज़्यादा, कि आप शांत रहे हैं और उस समय आपने अपने ऊपर फोकस किया है, अपना सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस किया हुआ है, तो उसके बाद आप फिर से देखिए कि क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्या परिस्थिति बदल गई दोनों के बीच में। अगर बदल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं बदली है और अब वो सुनने के लिए तैयार हैं तो आप उनकी मदद कीजिए। तो ये सारे जो व्यवहारिक बातें हैं, इसे समझना चाहिए। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा मन अशांत हो जाए। तो हमारे मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है, स्थिर रखना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हर कार्य हमारा ऐसा होना चाहिए सोच समझ कर, जिसका फल यही हो कि हमारा मन शांत रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी मेरा प्रश्न तीसरा, अच्छा मेरा तीसरा प्रश्न है एक्चुअली, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी वजह से हमारा आत्मविश्वास कम हो रहा है, ऐसा अगर हमें खुद महसूस हो रहा है, तो ऐसे समय में हमें कैसे सोचना चाहिए, किसी वजह से उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए? हाँ, लेकिन वो नहीं एक्चुअली नहीं, उस नहीं, जैसे प्रश्न पूछा गया वैसे हमने उत्तर दिया। आपने प्रश्न पूछा किसी वजह से आत्मविश्वास कम हो रहा है, तो ये हमने उत्तर दिया कि इसलिए किसी वजह से उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब वो किसी वजह जो है वो आप ढूंढिए। आपको ही पता है ना कि आपका आत्मविश्वास किस चीज से घट सकता है, किस चीज से बढ़ सकता है। तो आप जब किसी वजह से अपना आत्मविश्वास घटते हुए देख रहे हैं, तो वैसे ही किसी वजह से अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति क्यों अपने आप को अपाहिज बना ले जब वो देखता है कि उसकी परिस्थिति बिगड़ रही है? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यही सोचेगा परिस्थिति बिगड़ते समय कि कैसे हम अपनी परिस्थिति को सुधारें। बुद्धिमान व्यक्ति वैसे करता है। तो वही बुद्धिमान व्यक्ति जो है जब देखता है कि उसका आत्मविश्वास घट रहा है, अर्थात उसकी परिस्थिति बिगड़ रही है, तो अपने बुद्धि बल पर वह प्रयास करता है कि परिस्थिति सुधरे। और कैसे सुधरेगा? आत्मविश्वास बढ़ाने से। अब उसका वजह आप ढूंढिए। हर व्यक्ति के जीवन में वजह अलग होता है, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। एक और प्रश्न पूछूं प्रभु जी। एक्चुअली अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है यूएस में, एक स्कूल में फायरिंग हुआ और इसकी वजह से 21 लोगों की उसमें ये हो गई है, मौत हो गई है। तो मुझे मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा वहां पे। एक्चुअली पता है कि मेरा वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है या फिर, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आ रही है कि छोटे बच्चों का वहाँ पे कोई गलती नहीं था, और ऐसा उस सोसाइटी में, इतनी फॉरवर्ड सोसाइटी में ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर आप बहुत सारा असम्पशंस कर रहे हैं कि कहीं पर फॉरवर्ड सोसाइटी है, कहीं पर बैकवर्ड सोसाइटी है। तो ये अपने आप में चर्चा का विषय है कि किस आधार पर आपने ऐसे जो है असम्पशंस किए हुए हैं, है ना? तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, जो भी धीर पुरुष होता है, पुरुष अर्थात जो भी धीर व्यक्ति होता है, धीर का अर्थात जो व्यक्ति समझता है कि किस समय कैसी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, उस व्यक्ति ने ऐसे जब भी समाचार उसे प्राप्त होता है, तो सबसे पहले उसका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसकी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि वो सहानुभूति व्यक्त करे। सबसे पहले हमें, अगर संभव है, तो हमें जाकर जिन लोगों को जीवन में ये परेशानी आई है, जिन लोगों के जीवन में ये दुख आया है, उनके साथ जाकर हमें अपनी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए
क्यों? क्योंकि धीर व्यक्ति वैसा करता है, वो जानता है कि यह भावना उसके लिए और दूसरों के लिए मदद दे सकती है, लाभदायी है। तो सबसे पहले सहानुभूति व्यक्त कीजिए। अगर आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो कम से कम मन में प्रार्थना तो कीजिए कि जिनको इससे बीतना पड़ रहा है, जैसे कि उन बच्चों के माता पिता या स्वयं वो बच्चे जिन्हें ये तकलीफ हुई है, भगवान उन्हें या तो उन्हें शक्ति दे कि इस दुख में वो इस दुख से बाहर निकल सकें समय में, या तो फिर उन्हें सदगति प्राप्त करें। तो सबसे पहले सहानुभूति व्यक्त कीजिए क्योंकि बहुत ही योग्य भावना है। तत्पश्चात हमें यह विचार करना है कि भले ही बच्चों की गलती ना हो, समाज की तो गलती है ना। हमारे समाज में हमने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, या अगर ध्यान दे भी रहे हैं फिर भी कमी रह गई है कि हमारे समाज के कुछ लोग जो हैं ऐसा जो है ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो अपने आप को अपाहिज बनाने से अच्छा है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं और आगे अभी जो हो गया है उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसके लिए सहानुभूति व्यक्त करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि उसे बदल नहीं सकते हैं, आने वाले काल में हम अपने समाज में ऐसा कुछ प्रयोजन करें जिससे कि समाज का हर व्यक्ति जो है वो शांत मन का रहे। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बच्चों को कि क्या गलती है ये विचार करने से अच्छा, या इस संसार में ऐसा क्यों होता है ये विचार करने से अच्छा यह होगा कि हम मेहनत करें कम से कम जितना हो सके एक ऐसे समाज को को व्यक्त कर पाए जहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं ना, कम से कम उतना तो प्रयास व्यक्ति कर सकता है। ये खाली व्यक्ति जो है ऐसे शंकाओं की वजह से त्रस्त रहे कि क्यों कैसे कब, अपने हमारा जो कर्तव्य है वह हमें करना चाहिए। यहाँ पर एक समाज के रूप में हम कम पड़ गए और गलती हमारी है कि हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारे ही समाज में से कोई व्यक्ति जो है हम ऐसा कार्य कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी मन मन के ऊपर का बहुत सारा बोझ कम हो गया है ऐसा लग रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न लेने से पहले एक गूगल फॉर्म का प्रश्न थे, इसमें डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज स्वधर्म, व्हिच आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वधर्म। स्व शब्द का अर्थ होता है आपका अस्तित्व। अब आप अपना अस्तित्व क्या समझते हैं उसके अनुसार आप अपना स्वधर्म बनाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो आदि स्वरूप क्या है या आदि आपका अस्तित्व क्या है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या है, तो शास्त्र समझाते हैं। उसके बाद अगर आप अपने आप को मानव समझेंगे और उसके अनुसार धर्म बनाएंगे तो मानवीय स्वधर्म हो गया। आप अपने आप को पुरुष स्त्री समझेंगे तो लैंगिक स्वधर्म हो गया। आप अपने आप को विद्यार्थी समझेंगे या आपके अपने आप को एक प्रशिक्षक समझेंगे तो फिर उसके अनुसार आपका एक स्वधर्म हो जाएगा। आप अपना क्या परिचय बनाते हो वह आपका स्व हो जाता है, वह आपका अस्तित्व हो जाता है। और फिर उस अस्तित्व के अनुसार क्या योग्य है क्या अनयोग्य अयोग्य है उसका भेद समझते हुए जो योग्य है उस पर बने रहना, ये आपका धर्म हो जाता है। तो प्रश्न में ही फिर और प्रश्न उठ सकता है कि आप किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो और चर्चा को अगर हम हर स्वरूप में, मतलब जितना कुछ है सब समझना चाहते हैं, उससे लाभ क्या होगा, है ना। तो आज के परिस्थिति में क्या क्या आप अपने मन में पहचान बना चुके हैं अपना, उसके बारे में विचार कीजिए। वो जो पहचान है या वो जो कुछ आपका जो अस्तित्व है
जो आप अपने आप को समझ रहे हो, उसमें कैसे आप धर्म निर्वाह कर सकें अपने स्वयं की बुद्धि से, या कहीं पर कोई संविधान है, कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट्स है, कहीं पर कोई शास्त्र है, उसके अनुसार समझकर आप उसका निर्वाह करने का प्रयास करें। वास्तव में अलग अलग प्रकार के स्वधर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग पहचान जो है वो एक भ्रम है। इसे स्वधर्म एक ही है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हर जीव का स्वधर्म है कि वो भगवान की सेवा करे। ठीक है, ब्रजमय माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई नया भक्त दीक्षा लेना चाहता है तो घर में प्रसाद नहीं ग्रहण करता, और बिना प्रसाद के वो भक्ति में कैसे प्रगति करेगा और कैसा टीका रहेगा? ठीक है, ठीक। अगर हमारी ऐसी चिंता है कि हर किसी को प्रसाद मिलना चाहिए, तो एक प्रसादालय हम खोल दें और सबको बोल दें कि नियम यही है कि सबने प्रसाद खाना है हमारे यहाँ पर प्रसादालय। और अगर उतनी क्षमता नहीं है तो फिर जिसकी जैसी, जिसके पास जो सुविधा उपलब्ध है उसके अनुसार ही ना वो भोजन ग्रहण करेगा। तो अगर वो उसको हम समझा सकते हैं या उसे हम कुछ मार्गदर्शन कर सकते तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद का अर्थ हम यही समझ रहे हैं कि किसी ने भोजन बनाया है, फिर उसे पता है कि उसे भोग लगाना है, भोग लगाने के बाद जब भगवान की कृपा उसमें आ जाती है तो उसको फिर वो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, तो इसको हम प्रसाद मान रहे हैं। या इसमें अगर भावना है तो अच्छी बात है, भावना नहीं है फिर भी लोग कहते हैं कि प्रसाद है, चलो कोई बात नहीं। दीक्षा की जब बात है तो दीक्षा अलग अलग जो भी व्यवस्थाएं हैं तो उस प्रकार से दीक्षा के नियम अलग अलग होते हैं। अगर इस्कॉन में दीक्षा लेनी है तो इस्कॉन में दीक्षा के नियम हैं कि चार नियमों का पालन करना है, मांसा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, असत्संग अवैध संग नहीं करना है, और नशा नहीं करना है, और कम से कम 16 माला जो है हरे कृष्ण महामंत्र का वो प्रतिदिन अपने माला पर जप करना है, ये नियम है। इसके साथ कम से कम इन नियमों का पालन करना है। तो इन नियमों का अगर कोई व्यक्ति पालन करता है तो विचार कर सकता है कि वो इस्कॉन में दीक्षा ग्रहण करे। अब दीक्षा जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो कोई ना कोई होता है जो उसको दीक्षा प्रदान करे, तो वो गुरु वर्ग होते हैं। अब इन गुरु वर्ग के कुछ नियम होते हैं, तो गुरु वर्ग का नियम यह है कि आप जो है 16 माला जप करते कर 16 माला जो है महामंत्र का जप करने के साथ साथ आप जो भी ग्रहण करते हो वो प्रसाद रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो आपका मन जो है वो दूषित हो जाएगा। तो अगर उनकी नियमावली ऐसी है तो हमें समझाना पड़ेगा, जितने भी ऐसे प्रत्याशी हैं उनको समझाना पड़ेगा कि आप जहां पर दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वहां पर ये नियम है। तो अगर उन नियमों का वो पालन कर रहे हैं तो दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अगर नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, बहुत सरल है। तो क्या नियम है दीक्षा ग्रहण करने के, और अलग अलग संस्था हो या व्यवस्था हो या गुरु हो वो अलग होते हैं, तो उसे आप पता कीजिए, उसे समझिए और फिर निर्णय लीजिए कि आपको दीक्षा ग्रहण करने की नहीं करनी। ठीक है।
ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न यहाँ पे गूगल फॉर्म से मिलेगा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ये जहाँ तक प्रसाद की बात है सिर्फ दीक्षा से संबंधित नहीं है, आप दीक्षा लें ले या नहीं लें, प्रार्थना यही है, अगर आप भगवान कृष्ण के उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति ग्रहण कर रहे हैं भगवान कृष्ण का उपदेश, कृपया करके आप भोजन के रूप में प्रसाद ही ग्रहण करें, इसका दीक्षा से मतलब दीक्षा से संबंध तो हो ही सकता है विशेष करके इस्कॉन में, किंतु सिर्फ दीक्षा ग्रहण करना है इसलिए प्रसाद खाएंगे यह विचार नहीं होना चाहिए। विचार यह करना चाहिए, भगवान ने गीता में स्पष्ट समझाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यज्ञ शिष्ट नहीं ग्रहण करता है तो उसका मन जो है मैला हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और कारण यह है कि उसमें भोग लिप्सा उत्पन्न हो जाएगी, और जब व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तो जानता है कि ये भोग के लिए नहीं है, ये चेतना के शुद्धिकरण के लिए, तो यह अंतर होता है। अगर खाली प्रसाद नाम के लिए दिया गया है लेकिन ऐसी चेतना नहीं है तो व्यक्ति भोग ही खा रहा है, भोग ही कर रहा है, वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहा है। नहीं तो लोग जो है फिर खाली प्रसाद ग्रहण करते हुए कितने लोग जो है बदल सकते हैं, तो कुछ लोग बदल के जीवन में बदलाव आता है, कुछ लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आता। यहाँ तक कि कभी कभी जो लोग जो है औपचारिक रूप से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है, क्योंकि वो अब सिर्फ औपचारिक रूप में मतलब खाली नाम के लिए कह रहे हैं कि हाँ प्रसाद खा रहे हैं लेकिन मन में वृत्ति भोग की है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट मतलब आप यज्ञ कर रहे हो, आपने यज्ञ किया है, भगवान को आपने नैवेद्य दिखाया, नैवेद्य लगाया भगवान को, और तत्पश्चात प्रसाद के रूप में या भगवान की कृपा के रूप में आपने भोजन ग्रहण किया। जब भगवान की कृपा के रूप में आप भोजन ग्रहण करते हो तो उसे प्रसाद कहते हैं। तो मानव जीवन में हर व्यक्ति ने प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, हमारी आपसे प्रार्थना है, और ये प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवद्गीता में भगवान समझा रहे हैं कि ये हमारे हित में, ठीक है। तो ये दीक्षा से परे बात है कि प्रसाद हर व्यक्ति ने ग्रहण करना चाहिए, जो भी भोजन व्यक्ति खाता है वो प्रसाद रूप में ही ग्रहण कर रहे, अन्यथा उसका मन दूषित हो सकता है, और प्रसाद ग्रहण करते समय अपने मन में भोग विचार ना ले आए, नहीं तो वो सिर्फ औपचारिक रूप से प्रसाद ग्रहण कर रहा है, उसके जीवन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। ओके प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और भी जिन भक्तों के प्रश्न हैं आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तब तक गूगल फॉर्म के प्रश्न मैं पूछता हूँ। एक प्रश्न यहाँ पे आया है प्रभु जी, क्या आत्महत्या करने से दुखों का अंत हो जाएगा? सबसे पहले आत्महत्या करने का विचार नहीं आना चाहिए। अगर किसी के मन में विचार आ रहा है, अगर आप जानते हैं किसी को कि उनके मन में विचार आ रहा है, तो आज के समय में बहुत सारे सुविधाएं ऐसे दी गई हैं जहाँ पर आप तुरंत संपर्क करके मदद प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, आज के समय में, आज दिनांक है 27 मई 2022, आज के समय में और आज से आगे अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई आत्महत्या करने वाला या आपके मन में विचार आ रहा है, कृपया करके संपर्क करें ऐसे सुविधा केंद्रों से तुरंत। दूसरी बात, मानव जीवन में हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमने अपने जीवन या हमारे पास बुद्धि होती है कि हमने अपने जीवन का प्रयोग, अपने जीवन या अपने क्षमताओं का प्रयोग कैसे करना है, हमारे जीवन में जो क्षमता है उसका प्रयोग कैसे करना है, ये मानव जीवन में हमें ज्ञात होता है। अन्य योनियों में इतना
हमारे पास बुद्धि क्षमता नहीं होती। जो भी हमारे वेग होते हैं अर्थात जो भी हमारी भूख प्यास होती है उसके अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है, जो भी हमारी तृष्णा होती है। मानव जीवन में व्यक्ति विचार करता है कि योग्य है कि अयोग्य है, ये क्षमता दी गई है। तो मानव जीवन में सिर्फ एक ही कार्य करना उचित माना गया है, बाकी हर कार्य जो है वो अनुचित है, वो है सेवा करना या कर्म करना, यही योग्य है। और जहां पर भी कर्म न करने की बात हो, चाहे वो आलस्य हो, चाहे वो धूर्तपना हो, या फिर जहां पर जो लोग जो है अपना जीवन ही समाप्त करना चाहते हैं, ये सब अयोग्य है। इसे किसी भी रूप में सही नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत बात है। तो कर्म करते रहें, सेवा करते रहें, और उसके लिए जो भी योग्य है, अपने जो वैचारिक बुद्धि है, जो आपकी विवेक बुद्धि है, उससे उसका प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में कब तक एडजस्ट करना चाहिए और कब उसे क्विट कर देना चाहिए। जो भी आपके संबंध होते हैं, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहाँ पर हम आगे चलकर उन्हें स्वीकारते हैं। तो मानवीय समाज में इन संबंधों को लेकर कुछ नियमावली हैं, और ये जो नियमावली हैं, ये जो आपके जो भी आपका कर्तव्य जिसे कहते हैं, इन कर्तव्यों के आधार पर समाज के कुछ या आपका आपका आपके समाज का या आपके राष्ट्र का कुछ संविधान होता है जिसमें समझाएगा कि आपके कर्तव्य क्या हैं इन संबंधों को लेकर, जो या तो जन्मजात हैं, जन्म से ही हैं, या तत्पश्चात हमने नए संबंध बनाए हुए हैं। तो संबंधों के प्रति अपना कर्तव्य जो हमसे है, हमारा हमारा समाज अपेक्षा रख रहा है, वो करना आवश्यक है, क्योंकि समाज के नियम के अनुसार अगर हम उस कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो शायद समाज ने नियम बनाया कि उसका हमें दंड भरना पड़ेगा। तो दंड ना लगे हम पर, या दंड से बचने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। शायद प्रश्न का उद्देश्य यह है कि कभी कभी संबंधों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ऐसे समस्याओं का हल जो है शायद नियमों में भी ना मिले, जैसे कि मन मुटाव हो जाता है। तो सबसे पहली बात, मानव जीवन में संधि मिला है कि हम जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो बंधन है, उससे मुक्त हो सके। तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए जो भी अनुकूल है अपने जीवन में और संबंधों में उसे स्वीकारें, और जो भी प्रतिकूल है उसे त्याग दें। ठीक है, जब प्रतिकूल की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा संबंधों को त्यागना है, शायद उन संबंध में जो व्यवहार है या जो मनोवृत्ति है, जिस प्रकार से हमारी विचारधारणा है, वो अगर अयोग्य है, वो अगर अनुचित है, तो उसे त्याग देना चाहिए, नई विचारधारणाएं ले आनी चाहिए अपने संबंधों में। और जहाँ पर भी आपको सुविधा देता है आपका समाज या योग्य माना गया है, अगर संबंध त्याग सकते हैं तो त्यागी, तो जो योग्य है उसे स्वीकारिए, जो अनुचित है, अयोग्य है, उसे आप त्याग दीजिए। ध्यान ये रहे कि कहीं पर भी नियम भंग नहीं होना चाहिए, नियम उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नियमों को भंग मत कीजिएगा, नहीं तो दंड प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न यह है कि भगवान की जो लीलाएं उनमें कैसे प्रवेश पा सकेंगे। भगवान की लीला में हम हमेशा से रहते हैं, बस अभी विमुख। तो ऐसा नहीं है कि हम लीला
जो है भगवान कहीं और कर रहे हैं और हम उससे बहुत दूर हैं। भगवान की लीला हमारे चारों तरफ चल रही है। हमारे आचार्य हुए हैं श्रीला प्रभुपाद जी, वो एक उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो एक ग्रंथ में लिखते हैं कि भगवान की सृष्टि लीला हमारे चारों तरफ चल रही है। ये भगवान की सृष्टि लीला है ये संसार। तो भगवान की लीला में पहले से हम हैं, अब खाली हमें उन्मुख होना है, उसे स्वीकारना है, उसके प्रति जो है योग्य भावना रखनी है और जो अनुचित भावना है उसे त्याग देना है। ठीक है, शायद प्रश्न का उद्देश्य यह है कि भगवान जो है वैकुंठ में या गोलोक में लीला करते हैं, वहां पर प्रवेश कैसे करें। शुद्ध हो जाइए, अपनी चेतना को निर्मल कर लीजिए, अपने आप पुनः आप जो है उस लीला का दर्शन कर पाएंगे। अभी हमारे आंखों पर हमारे ही अवगुणों का या हमारे ही लोभ लालच का पट्टी लगा हुआ है, तो देख नहीं पा रहे। तो लीला जो है हमारे चारों तरफ चली रही है, हम लीला के बीचों बीच ही हैं, बस देख नहीं पा रहे। पट्टी हटाने की आवश्यकता है। पट्टी कैसे हटाएंगे? तो बहुत सारे मार्गदर्शन प्राप्त है आचार्यों से, जो आपको योग्य लगता है, जो आपके लिए संभव है उसे स्वीकारें। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान का हरिनाम जो है बहुत योग्य साधन है, तो नाम स्मरण करते हुए चेतना जब निर्मल हो जाएगी तो दर्शन होंगे भगवान के लीला के। ठीक है, अगला प्रश्न सुष्मिता माता जी का है, पूछ रहे हैं कि गुरु जी सब सोसाइटी में पूछते हैं क्यों तुलसी कट्टी पहनते हो, क्यों तिलक लगाते हो, क्यों शॉप करते हो, क्यों शॉप करके दिखाते हैं कि आप सबसे बड़े डिवोटी हो कृष्ण के, तो ऐसे लोगों को क्या उत्तर दें? तो उसमें कुछ परेशानी है, मतलब देखो हमारा चेहरा है उसको हम साफ रोज सुबह जो है धोते हैं और लोग उसे देखते हैं, तो क्या इसे शो ऑफ कहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि जब भी कोई हमारे मुख की तरफ देखे, हमारे चेहरे को देखे, तो उसका मन जो है शांत रहना चाहिए। हाँ, अगर हम ये चाहते हैं कि लोगों का मन विचलित हो, हमारे प्रति आकर्षित हो, तो उसे सबका समय जो है व्यर्थ जाता है। लेकिन किसी के मन में अगर हमारे चेहरे पर कोई दुख है, क्लेश है, तो लोग परेशान हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम प्रयास ये करते हैं कि लोगों के पास नेत्र हैं, आँख हैं, अगर उनके सामने जाएंगे तो वह हमारे स्वरूप को देखने ही वाले, तो हमारा स्वरूप ऐसे होना चाहिए जिसकी वजह से उनका मन अपने उनके लक्ष्य से हटे नहीं। तो जब हम कंठी माला धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, तो जिन हर व्यक्ति का लक्ष्य जो है वह है भगवान की सेवा करना, चाहे वो उसे स्वीकारे नहीं स्वीकारे। तो जब हम उनके सामने तिलक कंठी माला धारण करके जाते हैं तो उनका मन उनके लक्ष्य के प्रति लगा रहता है, उनका मन भटकता नहीं, तो इसको शो ऑफ नहीं कहते, ये तो वास्तविकता है। जो वास्तविकता है, जो जो सत्य है और लोगों के पास जो है इंद्रियां हैं, जो जिसके माध्यम से वो सत्य देख सके, जब उसे प्रदर्शित करते हैं तो इसको शो ऑफ कैसे कहा जाएगा? कुछ ना कुछ जो व्यक्ति ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उनके ही समझ में कुछ ना कुछ कमी है, तो उन्हें अच्छे से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, और एक दूसरा भी एक जो है दृष्टिकोण दे सकते हैं। जैसे कोई भी नागरिक होता है, जब वो चाहता है कि समाज में उसे सुरक्षा प्राप्त हो, जैसे भारत में जब भी हम अपने सैनिकों को देखते हैं तो हमें उनके प्रति जो है बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि ये जो है बहुत कष्ट करके हमें सुरक्षित रख रहे हैं देश में। जब भी हम पुलिस को देखते हैं तो हमें पता रहता है कि चलो, जैसे रात में अगर पुलिस की गाड़ी हमारे घर के बाहर से निकल जा रही है या कोई वॉचमैन जो है घूम रहा है, जागते रहो कहते हुए, तो हम निश्चिंत होकर
सो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। तो ये